6.7 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले और फिंगरप्रिंट भी डिस्प्ले के अंदर, 67 वॉट का फास्ट चार्जर और 120 हर्ट्ज का बॉर्डरलेस डिस्प्ले। यार ये ओप्पो के फोन के पीछे लिखा हुआ तो है कि अप्रूव बाय पीटीए, लेकिन क्या ये पीटीए से छुपा के लेके तो नहीं आ रही है? 80,000 में लॉन्च कैसे कर दी प्रोडक्ट? क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया? 64 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ 8+256 GB और प्राइस 80,000। भाई ये पाकिस्तानी मार्केट में कोई तहलका मचने जा रहा है ओप्पो रीनो 11F से। IPS 65 के थर्ड ग्रेडियंट के साथ प्रोटेक्शन दी गई है ओप्पो रीनो 11F में, यानी ये फोन लेके आप बारिश में निकल जाएं, स्विमिंग पूल में छलांग लगा दें या कोई बाल्टी आपके ऊपर फेंक दे तो भी आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यार मैं सोच रहा हूँ इस प्रोडक्ट के लिए फवाद खान को ब्रांड एम्बेसडर लिया गया है। मेरे ख्याल से फवाद खान ने खामा खामे पैसे बना लिए, ये फोन वैसे ही बिक जाना था भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। जो फोन दुबई में अवेलेबल है 950 दिरहम का, यानी पाकिस्तानी तकरीबन आप समझे 80,000 रुपए का, वो फोन पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो गया है 80,000 रुपए का, ओप्पो रीनो 11F। ओप्पो ये तुमने कैसे किया? मैं नहीं बताऊंगा। और हम है TechBlade, subscribe TechBlade। Hello and Assalamualaikum, this is Sayyed Ali Yusuf on the platform of TechBlade Global। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो we request you all to please subscribe TechBlade Global। हमारे चैनल पे सिर्फ आपको अनबॉक्सिंग प्रोडक्ट रिव्यू नहीं मिलते बल्कि ऐसी एजुकेशनल रिसर्च बेस्ड वीडियोस भी मिलती हैं जो कि आपको आगे लेके जा सकती हैं। ऐसे इंस्पायरिंग लोगों की स्टोरीज मिलती हैं पॉडकास्ट की शक्ल में, कॉफी विद सीईओ में, जो कि आप ही के नुमाइंदे होते हैं, आप ही के शहर, आप ही के मुल्कों से उनका ताल्लुक होता है। ज्यादा बात किए बगैर आगे चलते हैं और आज हमारे पास दो बहुत ही एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। और 1.5-2 साल से इंतजार था कि भाई ओप्पो की फ्लैगशिप लाइनअप पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हो रही, उसका क्या वजूहात हैं, वो वजूहात भी थोड़ी हम जिक्र करते हैं। बट थैंकफुली इस साल एंड ऑफ मार्च में, यानी 22 मार्च को 21 मार्च को एक इवेंट हुआ जिसको हमने कवर करा और आपने हमारे चैनल के ऊपर भी देखा होगा, जिसमें हमारी मुलाकात हुई जॉर्ज से जो कि सीईओ हैं ओप्पो पाकिस्तान के, रॉकी से मुलाकात हुई जो कि वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट हैं सेल्स ऑफ ओप्पो के, जो कि पाकिस्तान में सेल्स देखते हैं, और दीगर स्टाफ से। मैं बहुत मशकूर हूँ कि हमें इन्विटेशन दिया, बाकायदा दुबई में मुझे इन्विटेशन भिजवाया एहसन की तरफ से जो कि ट्रेनी हेड है पाकिस्तान में, और कामरान जो कि ओप्पो की मैनेजमेंट के साथ होते हैं सेल्स भी देखते हैं, उन्होंने मुझे इनविटेशन भेजा था व्हेन आई वाज इन दुबई इन अर्ली मार्च, चलिए भाई हमारा इवेंट होने वाला है 21 मार्च को पाकिस्तान में और अगर आप होते हैं तो दैट वुड बी ग्रेट। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया टीम ओप्पो के लिए। लेकिन ये प्रोडक्ट रिव्यू हमारी दोस्ती होने के बावजूद बहुत ही ऑनेस्ट होने वाला है और हम नहीं छोड़ने वाले ओप्पो की प्रोडक्ट को आज, और हम देखेंगे कि क्या वाकई पाकिस्तानी ऑडियंस के हिसाब से जितनी इनकी प्राइजेज रखी गई है, यानी 80,000 रुपए में ओप्पो रीनो एफ 5G लॉन्च किया गया है जो कि दिखने में बहुत तगड़ी प्रोडक्ट लगती है, क्या वाकई में इतनी तगड़ी प्रोडक्ट है और क्या जो इसकी प्राइस है 80,000 रुपीज़ PKR वो जस्टिफाइड है कि नहीं? हमारे साथ बने रहिए और आगे लेके चलते हैं आपको। और तब तक के लिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया TechBlade Global तो अभी के अभी अपने ताया मामा चाचा फूफी भाई बहन दोस्त सबसे बोलेंगे भाई सब्सक्राइब करो TechBlade, ये टेक्नोलॉजिकल बेस्ड चैनल है, हमारे यहाँ हा ही के चस्के नहीं है ना, हम दिखाते हैं कि भाई आज मेरा फलाना वहाँ फंस गया, आज मेरी बेगम वहाँ फंस गई, मेरी बहन बाथरूम में फंस गए, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी व्लॉग्स नहीं होते, हमारे यहाँ सारी तालीमी और प्रोडक्टिव बातें होती हैं। अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। और हमारा मकसद किसी को चोट करना नहीं है भाई, हर किसी की मर्जी है, अपना अपना कॉन्टेंट है, जो जिसको जो दिखाना चाहे वो दिखाए और खुश रहे। आगे लेके चलते हैं और आज हमारे पास मौजूद है ओप्पो रीनो 11F और इसकी हमने करनी है हैप्पी बर्थडे। और अगर बात करें इसकी पैकेजिंग की तो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे पीछे देखने को मिलती है वो है जनाब मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान, और ये जो कंपनी है ये है एक्सर टेक प्राइवेट लिमिटेड जिनका सुंदर स्टेट लाहौर में ये फैक्ट्री है, और फैक्ट्री में मैं विजिट कर चुका हूँ, आइंदा आने वाली एपिसोड में आपको ओप्पो की फैक्ट्री भी दिखाएंगे जनाब। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर ओप्पो 11F 5G की हम प्रोडक्ट रोशनास ही अनबॉक्सिंग करते हैं। आज है हमारे पास 23 मार्च इस स्टूडियो में जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये 27 मार्च को प्रोडक्ट पब्लिक होने जा रही है, तो तब भी हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जनाब। बॉक्स के अंदर अगर हम पहला रिव्यू देखें तो इसके अंदर से हमें सिलिकॉन कवर मिलता है, इसके साथ साथ क्विक गाइड मिलती है जो कि मैं कभी नहीं पढ़ता, इसके साथ डिवाइस वेरिफिकेशन कि आप किस तरीके से PTA वेरीफाई कर सकते हैं, उसके बाद सिम इजेक्टर टूल आपको मिलता है और उसके साथ एक गाइड और मिलती है
विच इज सेफ्टी गाइड, और अगर मजीद नीचे जाएं तो आपको एक डिवाइस खूबसूरत तरीके से रखी हुई नज़र आती है और उसकी हाइलाइटेड स्पेसिफिकेशन, जिसका भी हम जिक्र करते हैं कि क्या क्या है, और उसके साथ 67 वॉट का सुपर फास्ट वॉक चार्जर मिलता है जनाब, जो कि मेरा पसंदीदा है, और उसको जब आप हाथ में लेते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये हल्का चार्जर बिल्कुल भी नहीं है। 67 वॉट सुपर वॉक चार्जर। वॉक चार्जर क्या होता है, हमारी एक वीडियो में हम आपको बता चुके हैं पहले भी, VOOC, इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी जस्ट लॉन्च इन 2019। एक वॉक जो है हमारे पास एक एलिमेंट है जो बहुत ज़्यादा तेज़ तरीके से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को स्टोर कर पाता है दूसरी डिवाइस में, और इसके लिए आपको बहुत बड़ा साइज भी नहीं रखना पड़ता। और आप ये देखें कि इसी साइज में आज से 4-5 साल पहले 10 वॉट का 12 वॉट का चार्जर आया करता था, 12 वॉट का, आज इसी पैकेज के अंदर आपको 67 वॉट का चार्जर मिल रहा है। तो दैट इज रियली वॉक चार्जर टेक्नोलॉजी, जो कि आगे भी इसके बड़े पैमाने पे टेस्ला में, चाइना में, आपको पता है इस तरीके से शाओमी ने अपनी इलेक्ट्रिक कार निकाली, हवावे ने अपनी इलेक्ट्रिक कार निकाली, टेस्ला इलेक्ट्रिक कार है, तो उनमें भी वो सुपीरियर कैटेगरी ऑफ वॉक चार्जर इस्तेमाल किए जाते हैं जिनकी पावर होती है 200 से 300 वॉट। आगे लेके चलते हैं आज प्रोडक्ट हमारी मोबाइल फोन, उसके बाद हमें एक यूएसबी केबल भी मिलती है यहाँ पे जनाब, और ये यूएसबी केबल बहुत मुझे टफ नजर आ रही है, जिसकी क्वालिटी मुझे बहुत ही किस्म की लग रही है। तो ये USB टाइप सी केबल है हमारे पास, जो कि निकली है हमारे पास Oppo Reno 11F में। और अब इन चीजों को अगर हम साइड पे करें और डिवाइस की तरफ जाएं तो डिवाइस की खूबसूरती देखते हैं कैसी है। क्या डिवाइस है और क्या फिनिश है। ये जो कलर है हमारे पास, दो कलर इस वक्त मौजूद है, एक ओशन ब्लू कलर है और ये हमारे पास ग्रीन कलर है, और इस ग्रीन कलर को आप देख सकते हैं जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो एक तूफानी कलर की फिनिश इसके अंदर से रिवील होती है, विच इज माइंड ब्लोइंग। तीन कैमराज मुझे पीछे नजर आ रहे हैं, मेन कैमरा जो है वो 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, इसके साथ ये डिवाइस को हमने स्विच ऑन किया है। इसके साथ जो स्पेसिफिकेशन हाईलाइट की गई है उसमें हमारे पास मौजूद है 64 मेगापिक्सल अल्ट्रा क्लियर ट्रिपल कैमरा, IPS 65 और बॉर्डरलेस 120Hz डिस्प्ले। तो देखते हैं अभी डिवाइस ऑन होती है तो ये कितना बॉर्डर लेस है, जो पिक्सल का बेजल का रेशियो है विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ द डिवाइस कितना है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम है कलर OS के साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ओप्पो, और विद इन 15 सेकंड डिवाइस ऑन हो गई है। और हमारे पास जो वेरिएंट है ये 8256 का वेरिएंट है, और डिवाइस हाथ में लेके मतलब ब्राइटनेस तो ऐसी है कि स्क्रीन फाड़ के बाहर निकल रही है, विच इज रियली कूल। और अगर मैं कैमरा देखता हूँ तो कैमरा भी क्या बात है, अमेजिंग। तो ये एक पिक्चर हमारे एक दोस्त ने इसके अंदर ऑलरेडी लेके सेव की हुई है, तो इसको अगर हम जूम करें, ओ माय गॉड, यू कैन सी के पिक्सल बिल्कुल भी नहीं फट रहे इस पिक्चर के। सो दिस इज 64 मेगापिक्सल ऑफ ओप्पो रीनो 11F 5G डिवाइस, और ये मजीद भी जूम हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ द रियलिटी, इसके अगर हम जूम आउट करते हैं तो ये असली पिक्चर थी, और आप देखें जिस तरीके से, क्या बात है, मतलब ये पिक्चर खिंचवाने के लिए आपको दांत सही में साफ रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, मतलब दैट इज सिंपली अमेजिंग, बिल्कुल भी पिक्सल जो है वो ब्लर नहीं हो रहा है, फट नहीं रहा है, तो डेट इज समथिंग कूल। और इसके साथ साथ 5000 मिली एम्पियर की बैटरी है, और जो स्लिमनेस है, जो स्लीकनेस है वो मुझे नजर आ रही है, डेट इज समवेयर अराउंड 7.5-7.6। एक चीज जो मुझे बहुत पसंद आई वो इसका फिनिश है, और देखते हैं ओशियन ब्लू कलर कैसा है इसका। ये था हमारे पास ग्रीन कलर, ओशियन ब्लू कलर देखते हैं कि हमारे पास कैसा है, उसकी फिनिश कैसी है, और फिर आते हैं हम इसकी प्राइस के ऊपर। सो ये है हमारे पास ब्लू कलर, ये हैं वो दो कलर्स हमारे पास राइट नाउ, ये आप देख सकते हैं, दैट इज ओशियन ब्लू मेरे हाथ में और ये ग्रीन, और दोनों की फिनिश बिल्कुल चेंज है। अगर आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसकी फिनिश की बात करूं तो इसके ऊपर जो इफेक्ट है इट्स लाइक अ मार्बल या इट्स लाइक अ वॉटरी इफेक्ट, कि जिस तरीके से पानी के ड्रॉप गिरते हैं किसी सरफेस के ऊपर और वो इफेक्ट देते हैं, वो इफेक्ट है। और यहाँ मैं अगर जाता हूँ तो ये इफेक्ट जो है ना एक हाईली ग्लॉस डिस्को फिनिश के साथ ग्लास इफेक्ट दे रहा है यहाँ पे। तो ये दो फिनिश है मेरे पास इस वक्त मौजूद, दैट इज ब्लू एंड दैट इज ग्रीन, और दोनों ही क्या कमाल की, मतलब LCD के ऊपर तो क्या बात है, मतलब जो LCD इसमें यूज हुई है दैट इज सिंपली अमेजिंग, और मुझे बहुत पसंद आई। और असल चीज जो इनका कैमरा है, और अगर बात करते हैं इनकी प्राइस की पाकिस्तानी मार्केट में, सिंपली अगर मुझसे, अगर आप आज से 2 दिन पहले पूछते कि इसकी क्या प्राइस होनी चाहिए, तो मैं इजीली कहता ये 95,000 से 99,000 तक की प्रोडक्ट है, क्योंकि मुझे पता है कि 8+256GB के साथ इस वक्त कितना बुरा वक्त आया हुआ है। चाइना में बाकायदा अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स ही नहीं हो पा रही, 8+256GB बहुत शॉर्टेज में है, बहुत बड़े बड़े जायंट्स ने उसका स्टॉक लेके रख लिया है, तो आगे 1 से 1.5 महीने में हमें प्राइस भी इंक्रीज मिल सकती है लॉन्च या नए मॉडल में 8+256GB में।
तो 80,000 रुपीज में हमारे पास ओप्पो रीनो 11F लॉन्च किया गया है, जो कि वाकई बहुत ही अमेजिंग प्राइस है। और ये अगर 4,000-5,000 महंगा भी रख देते ना, तब भी डिवाइस जस्टिफाइड थी, क्योंकि जो डिवाइस की फिनिश है, जो क्वालिटी है, जो कैमरा रिजल्ट है, जो उसकी ब्यूटी है, दैट इज अमेजिंग। और ये चीज मिसिंग थी 1.5 से 2 साल में ओप्पो लाइनअप में। आपको याद होगा ओप्पो रीनो 10 सीरीज लॉन्च हुई थी लास्ट ईयर, दैट वॉज फरवरी 2023, और पूरा 2023 गुजर गया, आपको ऑफिशियली ओप्पो रीनो 10 सीरीज पाकिस्तान में नजर नहीं आई। बट देर आया दुरुस्त आया थैंक्स टू द टीम ऑफ ओप्पो, कि आपने ये समझा कि दिस इज द हाई टाइम और पाकिस्तानी मार्केट अब बेहतर हो चुकी है और ओप्पो 11 को लॉन्च किया जाए। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि ओप्पो की जो कंपटीशन कैटेगरी है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम $350 टिल $700, ये जो कैटेगरी है ना, दैट इज बिलोंग्स टू ओप्पो। यानी अगर थोड़ा सा मैं नीचे भी जाऊँ ना, $240 से लेके, यानी अगर पाकिस्तानी मार्केट से 55,000 रुपये से लेके 1,20,000-1,30,000 रुपये तक की प्रोडक्ट के ऊपर जाते हैं, तो डैट इज़ बेसिकली कन्फाइंड ओप्पो ऑडियंस, क्योंकि उनको पता है कि ओप्पो की प्रोडक्ट ज़्यादा क्वालिटेटिव होती है एज़ कम्पेयर टू द अदर ब्रांड्स। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, सारे ब्रांड्स काबिले मोहतरम है, लेकिन जो ओप्पो का कस्टमर है ना, उसको पता है कि वो बेसिकली कैमरा कस्टमर है, क्योंकि ओप्पो अगर जब आपको याद होगा 2015-16 में जब लॉन्च हुआ था, तो एक ही इनका मेन सेलिंग पॉइंट था, दैट वॉज द कैमरा ऑफ द डिवाइस, और कैमरे के पीछे सेल्फी के पीछे लोग पागल हो चुके थे। सो दिस इज सैयद अली यूसुफ, ये प्रोडक्ट मुझे बहुत जानदार लगती है, स्पेशली दिस ओशन ब्लू कलर इज अमेजिंग, इवन दो दिस ग्रीन कलर इज अमेजिंग, एक ब्लैक कलर भी हमने देखा लॉन्च में, जिसकी वीडियो आप हमारी वीडियो पे देख चुके होंगे। और सबसे अच्छी चीज़, इन दोनों डिवाइसेस में IPS 65 से 68 तक की प्रोटेक्शन दी गई है, और उसके साथ साथ डस्ट प्रूफिंग भी इसके अंदर दी गई है, और जो पानी की शॉक रेजिस्टेंस होती है, अगर आप लेट सपोज पानी लेक में अगर डूब जाते हैं, एकदम से एक डुबकी लगा लेते हैं, या बारिश में लेके बाहर निकलते हैं, तो आपके फ़ोन को कुछ भी नहीं होने वाला। तो दिस वॉज द प्रोडक्ट रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग रिव्यू ऑफ ओप्पो 11F, और दिस इज सैयद अली यूसुफ साइनिंग ऑफ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ टैगब्लेड ग्लोबल। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब टैगब्लेड ग्लोबल। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम और खुदा हाफिज़।